राधे श्याम मित्रों, आज है मेरा 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का डे 63 और आज है 3 दिसंबर। अभी बज रहे हैं भाई दोपहर के 1 और अभी मैं ये चाय नाश्ता कर रहा हूँ बिकॉज मैं उठा ही 12 बजे हूँ। तो उठने के बाद बस अभी पानी वानी पिया और फ्रेश वगैरह मतलब हो गया और अपना ब्रश वगैरह करके अभी आके बैठा। मैंने बना के दिए हैं भाई ये धनिया के पराठे, ओम फो धनिया के पराठे खाएंगे विद गरमा गरम चाय। एंड आज संडे है इसलिए आराम से उठा हूँ और व्लॉग आ जाएगा अभी थोड़ी बहुत देर में और डाल दूंगा, मतलब मान लो अप्रॉक्सीमेटली 2-3 बजे तक डाल दूंगा एक ब्लॉग, उसके बाद रात में आ जाएगा। देन उसके बाद से आज वाला ब्लॉग तो कल ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2 ही ब्लॉग रह गए हैं। एंड दो पराठे आ चुके हैं मम्मी को ले आई, ठीक। तो अभी ये खाएंगे पियेंगे और ट्रेडिंग वगैरह तो है नहीं। हाँ, और आप लोगों को कुछ बताता हूँ, मैंने एक दिन ट्रेडिंग करी थी, नेक्स्ट डे मैं नहीं क्योंकि दीदी का बर्थडे था तो हम लोग रात में नाइट आउट पे गए थे, तो रात में देर में आई तो मैं सुबह सुबह नहीं जा पाया। आपने बर्थडे वाला जो ब्लॉग देखा उसमें ट्रेडिंग नहीं दिखाई, तो उस वाले ब्लॉग के अंदर मतलब वो था 30 नवंबर का, तो जिसमें मैंने बोला था कि आप लोगों मुझे कुछ भी करके हम लोगों को 10,500 अपना अमाउंट करना है और 10,478 प्रॉफिट हुआ उस दिन, तो उतना अमाउंट हो गया था हमारा। उसके बाद नेक्स्ट डे 30 तारीख का अगले दिन 1 तारीख को मेरे को जतिन ने बोला था कि भाई, मैंने बोला था मैं कल आऊँगा ट्रेडिंग करने के लिए क्योंकि आज तो आ नहीं पाया, आज प्रॉफिट हो गया, कल से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो उसने बोला ठीक है जो भी है, और उसका उसने फिर मना कर दिया, भाई तो मेरे घर में था, उसे कुछ काम वाम के लिए कहीं जाना था। तो इसके वजह से उस दिन उसने खुद ही ट्रेड करी और वो जो प्रॉफिट वगैरह हुआ था वो 400 रुपये का उसने लॉस हो गया, तो वो वापस अमाउंट 10,000 करीबन आ गया। तो मतलब हमारा 1 तारीख को ये हुआ, 2 तारीख का सैटरडे था, 3 तारीख का संडे है, आज है तो उसका ट्रेडिंग हुई नहीं। अब कल मार्केट खुलेगी एंड कल से देखते हैं क्या होगा, मतलब 1 तारीख से हमारे पास अभी पूरा 10,000 अमाउंट है। 400 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ 30 तारीख को, वो नेक्स्ट डे वो लॉस हो गया, तो उसका कोई मतलब डजंट मैटर, ठीक है। फिलहाल अभी ये खाते पीते हैं एंड आप लोगों से मिलूंगा बाद में। 6.5 hours later तो गाइज अभी आ गए हैं हम लोग दूध लेके, और ये देखो ये 3 किलो हमारा है, ये 2 किलो नानी कर रहा है। और हम लोग पहले लाते थे फुलकरी में अमूल का दूध, पर जो हमारे यहाँ पे अमूल की डेरियाँ खुल गई हैं, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो, तो जितने भी जो कहते हैं ना कूड़ेदान थे, जितने भी बना रखे थे जगह जगह पे बने हुए थे, उन सबको हटा हुटो के अब अमूल वालों ने भाई अपनी डेरी खोल ली, ऐसे मतलब डेरी की थी, तो मैं भी लाऊंगा, मैं हटाऊ ब्लॉग बना दो। एक्सक्यूज मी, देखो ये है बफेलो मिल्क, जो वो वाला आता है फुल क्रीम का आता है वो तो 66 रुपये लीटर और ये आता है 70 रुपये लीटर, सिर्फ 4 रुपये का अंतर है। पर ये है A2 मिल्क जो कि अच्छा होता है, प्लस बफेलो मिल्क, और इसमें मलाई ज्यादा जमेगी क्योंकि मतलब मलाई ज्यादा जमती है हमने सुना है, इसीलिए ये मैंने पहले आकाश भी आके यहाँ पे एक दो बार पिया है, तो मेरे को सही में पता है मलाई अच्छी जमती है तो, और अच्छा भी है ये फुल क्रीम से, तो 4 रुपये महंगा है लेकिन कोई बात नहीं, 4 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ा, दूध अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो बढ़िया है, मलाई अच्छी अच्छी जमेगी तो अच्छी अच्छी खाएंगे, और आ गया है फर्स्ट टाइम, इसे ट्राई करेंगे एक बार, देखते हैं, और कल की आपको मलाई दिखाऊंगा फिर कैसे जमती है, ठीक है, कितनी मोटी जमती है। और ये फिलहाल नानी घर पे देके आने हैं और नानी घर से गेहूं भी लेके आने हैं और फिर उन्हें चक्की में भी डाल के आना है और फिर अपने डाइट वगैरह भी लेंगे, तो बहुत सारे। और अभी मैंने एक केला खा लिया था, थोड़ा वार्म अप वगैरह करा था घर पे ऐसे ही नॉर्मल, मतलब 4:30 बजे करीब केला खाया था, 15 मिनट बाद वार्म अप किया था, 15 मिनट की थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करी थी लेग की थोड़ी बहुत क्योंकि कल लेग मारी थी। और अब ये लेके आए हैं और अब व्लॉग आ गया है, अब जाएंगे, अब देखते हैं क्या क्या करना है, बहुत सारे काम है, तो अभी फिलहाल जल्दी जल्दी करते हैं जो हर काम। A lot of boring math later. So guys, अभी टाइम हो रहा है 6 और मैं चला गया था अभी क्या गेहूं वगैरह डालने के लिए, गेहूं वगैरह दे के आया नानी के घर दूध वगैरह दे के, उसके बाद वहां से गेहूं उठाए, गेहूं डालने के लिए आया चक्की पे, अभी 1.5 घंटे बाद जाऊंगा तब तक वो पेस जाएंगे। और ये साथ में भाई अभी पानी गर्म करा, तो ये क्रिएटिन है इसके अंदर एंड ये है दूध चौको, इसके अंदर 1 चम्मच पीनट बटर है, 1 कैल्शियम पाउडर है, कैल्शियम का पाउडर और क्या है थोड़े से मतलब इतने मान लो इतने से ओट्स, ज़्यादा नहीं डाले मैंने, ठीक है। और ये सब डाला, मेरा मन नहीं था क्योंकि आज यार मैं सोच रहा था कॉफ़ी वगैरह पीऊँगा, मेरा मन नहीं था ठंडा क्योंकि सर्दी आ गई है, अल्लाह थोड़ा गर्म पीते हैं, इसलिए फिर मैंने ये सब ये बनाया है, ठीक है। तो अभी ये पियेंगे एंड साथ में अभी क्रिएटिन पियेंगे। एक केला मैंने अभी मैंने बताया था ना वॉर्म वगैरह गया था, मैंने 1 केला खा लिया था, सोच रहा हूँ अगर मेरा इन सब खाने का मन करेगा तो 1 केला खा लूँगा, वरना इससे ज़्यादा नहीं खाऊँगा। एंड कल से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सुबह जिम जाएंगे, कितने बजे से, सुबह 6 बजे से, एंड कल से वापस से स्टार्ट कर दूंगा पुश पुल लेग। मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बोला था आप लोगों को समझाऊंगा क्या सीन है, मैंने स्टार्टिंग जब गया तो मैंने वर्कआउट सीखे, फॉर्म सीखी, तो फर्स्ट मंथ तो मेरे को ये सब सीखने में लग गया, ठीक है, इतना कुछ मैं ढंग से कर नहीं पाया, तो मैंने पुश पुल लेग ही फॉलो किया था, पर नॉट सो गुड, ऐसे ही करा नॉर्मल, बस फॉर्म वगैरह आई उस टाइम पे। जब मैं 1 महीने में थोड़ा फॉर्म वगैरह सीख गया तो फिर मैंने चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप, शोल्डर, लेग, हफ्ते में 6 दिन 6 वर्कआउट के हिसाब से पिछला महीना बिताया पूरा नवंबर। एंड अब दिसंबर चालू हो चुका है, दिसंबर का पहला मंडे कल है, कल 4 तारीख है,
तो मैं सोच रहा हूँ कल से वापस स्टार्ट करेंगे पुश पुल लेग, मतलब हफ्ते में 2 बार प्री मसल ट्रेन होंगी सारी मसल्स। एंड क्या है, ये आखिरी महीना है तो इसी में मेरे को क्रिएटिन खाते हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, पूरा 1 महीना हो गया क्रिएटिन खाते हुए भी, 30 दिन हो गए हैं, 30, 35, 30, 31, 32, 33 दिन हो गए हैं, 1 तारीख से चालू किया था, 37वां दिन है ठीक है क्रिएटिन पीते हुए, जिसमें मैंने 3-4 दिन छोड़ा भी, तो आप मान लो 30 दिन हो गए हैं पूरे मेरे को क्रिएटिन पीते हुए ठीक है। तो 30 दिन के अंदर मेरे को इतना अभी अच्छे से फर्क नहीं दिखा, और मुझे पता है जल्दी फर्क भी नहीं पड़ता, 20-25 दिन क्रिएटिन पीने के बाद ही फर्क पड़ता है। तो अब वो टाइम आ गया कि भाई अपनी मसल को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा तोड़ूंगा, 1 ही महीना रह गया है, 1 महीने मसल तोड़ूंगा, भर के खाऊंगा, भर के एक्सरसाइज होगी, और फिर देखते हैं 1 महीने बाद में कितना फर्क पड़ता है। अभी मेरा 60 kg और 550 ग्राम वजन है, जो कि मैंने आपको बोला था कि मेरे को इस पिछले महीने के एंड तक इतना ही करना है, तो 60 किलो 550 ग्राम मेरा वजन है। तो अब देखो क्या होता है क्या नहीं, और जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा मैं वो करूँगा। तो प्लीज़ आप साथ बनाओ, ये 1 महीना है, 1 महीने में प्यार दिखाओ, आप ही लोगों की वजह से कुछ कर पाऊँगा, मतलब आप मोटिवेट नहीं करोगे मैं मेहनत करता रहूँगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, बाकी आप करो मोटिवेट, बाकी मैं अपना काम कर ही रहा हूँ ठीक है, देखते हैं कितना होता है। मैं चाहता हूँ इस महीने 5 किलो वजन तो बढ़ जाए यार प्लीज़, मैं चाहता हूँ 65 किलो वजन हो जाए, वैसे मेरे 65 किलो वजन लगेगा नहीं, मेरी 6 फुट हाइट है, तो 6 फुट हाइट पे ना 65 किलो कुछ नहीं लगता। जतिन का अभी 55 है, जतिन मेरे से, जतिन का 55 मीका, जतिन का 53-52 ऐसे कुछ में आता है ठीक है, और तब भी जतिन स्किनी नहीं लगता, जतिन ठीक हो गया है, सोचो जतिन मतलब हाइट डिफरेंस हो गया, और मेरा उससे ज़्यादा है, मेरा 60 है पर फिर भी मैं बिल्कुल हड्डी लग रहा हूँ बिल्कुल अब भी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई हम लोगों को तो जैसे उसका वो जतिन का जब 60-65 हो जाएगा तो जतिन लगेगा राक्षस ठीक है, इसलिए, और मेरा जब 75 हो जाएगा ना तब मैं, मतलब हमारा 10 किलो का अंतर आता है, उसका 65 में वो राक्षस लगेगा, मैं 75 में राक्षस लगूंगा। तो फिलहाल अभी मेरे को 63, 64, 65 तो करना ही पड़ेगा अगर मुझे अच्छा दिखना है हल्का फुल्का, तो वरना मतलब अच्छा दिखने का मतलब है कि सही रहना है, तो वरना अभी तो बहुत वो है। और देखो क्रिएटिन मिल चुका है पानी के अंदर, गुनगुना पानी पीता हूँ मैं, तो गुनगुने पानी के अंदर क्रिएटिन मिला है, देखो बिल्कुल पानी पानी ऐसा हो गया ठीक है। अभी इसे पीते हैं, इसे खाते हैं, एंड आप लोगों से मिलूंगा बाद में। तो गाइस टाइम हो चुका है खाना खाने का, और खाने में है आलू मटर की सब्जी के साथ है रोटी एंड दही, जो कि मैं हमें ऑलवेज खाता हूँ, और ये मेरी चौथी बोतल है। अभी ठंड में ज़्यादा पानी पिया भी नहीं जाता यार, मन नहीं करता ज़्यादा पानी पीने का, जो ही खांसी आई बंदा लग गया। और भाई मैं आटा चक्की में आटा डाल के आया था, गेहूँ डाल के आया था पिसाने के लिए, और अभी अभी ऐसी रोटी आई सामने, तो मेरे को ध्यान में आया, तो फिर मैं जल्दी भाग भाग के गया बाहर, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, पटाख से उनकी दुकान में पहुंचे तो पता चला वो दुकान बंद भी कर रहे थे, लेकिन पिसा ही नहीं, उन्होंने बोला कल ले जाना, कल सुबह 10 बजे की दुकान खुलेगी तब जाऊँगा, कोई बात नहीं, अभी ये हम खाना पीना खा रहे थे, गेहूँ तो आ जाएगा, मतलब आटा तो आ जाएगा कल, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है क्या है, खड़ी है ये बंदा खड़ा है बस, ऑलवेज टाइम भूख 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 भूख, तो इनकी भूख साइड रखो भी चढ़ो। तो भाई यही था आज का एक ब्लॉग, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलूंगा कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, छोटा भीम देखो और मौज लो।